Welcome back, class 10th students. Today, we are going to start a very interesting, uh, easy topic chapter of class 10th mathematics called coordinate geometry. Today is the first lesson of coordinate geometry, and the name itself teaches us that we are talking about.

द येलो इज कॉल्ड द सेकेंड पार्ट क्वाड का मतलब होता है फोर गिव अ पॉज राइट सो ऑन बैक सो कॉर्डिनेट जोमेट्री में हम बेसिकली जो पॉइंट्स हैं वो इस ऑरेंज रीजन में आएगा कि येलो में आएगा ग्रीन में आएगा कि ब्लू में आएगा कहाँ पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है इन चारों क्वाड्स के बीच में वो हम जानने की कोशिश करते हैं और इसके साथ और भी कई सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हम पढ़ेंगे सो लेट अस स्टार्ट आर डे दिस इज मिनीश कुटी फ्रॉम हैप्पी मॉडल स्कूल ब्रिंगिंग यू दिस लेसन कॉर्डिनेट जोमेट्री वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट इन द सी वन टॉपिक हैज बीन डिलीटेड फ्राम दिस चैप्टर द थर्ड एक्सरसाइज विच इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल सो इनिशियली वी विल नॉट स्टडी द थर्ड चैप्टर द थर्ड लेसन The area of uh, triangle, but we'll do the first two lessons, right? Uh, so that's the strategy that we are going to follow. Now, देखिए coordinate geometry का जो importance है, जो role है, वो इस बात पे है कि हम किसी भी point के coordinates ढूँढना चाहते हैं। मान लीजिए हम housing colony वाली road पे हैं और एक घर है कोई housing colony में किसी का घर ये star वाला घर है। और हमको उसका बताना है किसी को कि कैसे जाना है उसके घर हम बोलेंगे पहले मेन रोड पे जाना हाउसिंग कॉलोनी का टर्न आएगा वहाँ से एंटर करना पहले वाली लेफ्ट गली छोड़ देना फिर दूसरी वाली राइट गली भी छोड़ देना फिर तुम दूसरी वाली राइट मतलब पहली वाली राइट छोड़ना दूसरी वाली राइट गली के अंदर एंटर करना जो थर्ड हाउस है ना वो हमारे दोस्त का हाउस है राइट तो ये कोऑर्डिनेट्स से तो बता रहे हैं हम कहाँ पे है कोई चीज़ लोकेशन क्या है तो लोकेशन ढूंढने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं मान लीजिए कोई हमारे पास एक प्लेन है एक्स और वाई ऐसी उसके अंदर कोई पॉइंट है यहाँ पर ये तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं दैट मीन्स हमको एक्स में कितना जाना पड़ता है और हमको वाई में कितना ऊपर जाना पड़ता है इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए ना इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए हाउ मच वेयर डू वी नीड टू गो मे बी वील से दो मीटर एक्स की तरफ जाओ और तीन मीटर वाई की तरफ जाओ तो पहले आप जो हैं वो यहाँ से मूव करें दो मीटर इधर एक्स के अलॉन्ग फिर तीन मीटर वाई के अलॉन्ग तो आप पहुंच जाएंगे पी पे अब एक और बात समझने की है कि ये जो एक्स और वाई होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स हॉरिजोंटल होना चाहिए एक्स जो है वो टेढ़ा भी हो सकता है बट एक्स और वाई एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर होंगे जैसे यहाँ इस डायग्राम में देखो एक्स और वाई जो है, वो हैं वो 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 टेढ़े हैं एक्स टेढ़ा है लेकिन एक्स और वाई एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर हैं ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई आ, हमारे फ्लोर पे ही होने चाहिए ये मान लो कोई इंक्लाइंड प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन का मतलब जैसे टेढ़ी प्लेन है उसके ऊपर भी तो मैं एक्स वाई बना सकता हूँ उसका कोई पॉइंट बी है तो पाँच मीटर जाना पड़ता है एक्स के तरफ छः मीटर जाना पड़ता है वाई की तरफ तब जाके हम इस पॉइंट कुछ बी पर पहुँचते हैं तो वाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी का मतलब होता है उसकी एक्स और वाई की वैल्यूज क्या हैं मोर टेक्निकली स्पीकिंग एक्स को बच्चों हम बोलते हैं एप्सिसा एंड वाई को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट ध्यान दीजिए एक्स को बोलते हैं एप्सिसा और वाई को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप इसको नोट कीजिए ये नाम लिखिए अपनी कॉपी साथ में खोल के रखिए और साथ साथ नोट करना भी है आपको ओके तो नाइन्थ क्लास में देखो रिव्यू करें अगर हम ये नाइन्थ में भी आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इसको हम एक्स को एप्सिसा बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं और ये जो चार डब्बे बनते हैं हमारे पास इनको चार क्वाड्रेंट्स बोलते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट पी होता है उसका एक्स भी पॉजिटिव होता है और उसका वाई भी पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जब आ गए इस खाने में आ गए तो हमको डैश की तरफ जाना पड़ा दैट मीन्स एक्स नेगेटिव है लेकिन ऊपर गए हैं इसलिए वाई पॉजिटिव है अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो एक्स भी हमारा नेगेटिव है और वाई भी हमारा नेगेटिव है इसी तरह से हमारा फोर्थ uh, क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है तो में एक्स नेगेटिव तो एप्सा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव राइट दिस इज वॉट वी है मान लो कोई पॉइंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही एग्जिस्ट करते हैं Let us say, ये पॉइंट ओ पी है ये डिस्टेंस ओ पी पॉइंट पी है के कोऑर्डिनेट्स हैं सिक्स कॉमा जीरो सिक्स यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस ऊपर बिल्कुल नहीं गया जीरो ऑन द वाई एक्सिस तो कितना दूर है ये ऑरिजिन से तो बोलेंगे यहां से एक दो तीन चार पाँच यूनिट्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड पॉइंट पी इज सिक्स यूनिट्स अगर पॉइंट आर होता वाई एक्सिस पे तो हम बोलते हैं ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते जीरो कॉमा फोर दैट मीन्स x में हम बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं गए जीरो ही गए और y में हम ऊपर गए कितना फोर यूनिट्स सो डिस्टेंस कितना है कितना दूर गए फोर मीटर्स अब हम पॉइंट Q को देखें उसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस नाइन कॉमा ज़ीरो माइनस नाइन मतलब इट इज ऑन द x डैश एक्सेज है ना इट इज ऑन द x डैश एक्सेस इस तरफ लेफ्ट की साइड तो चाहे उसका एप्सिसा माइनस नाइन है लेकिन डिस्टेंस डिस्टेंस बच्चों डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना माइनस नाइन बोलने से ये पता चल जाता है कि हम हम एक्स डैश एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन कितना ट्रैवल कर रहे हैं वो तो नाइन यूनिट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस इज ऑलवेज द मॉडुलस ये मॉडुलस मतलब अगर मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर होता है दो लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर भी हो तो बाहर हमेशा प्लस ही आता है अगर प्लस हो तो फिर प्लस ही रहता है लेकिन अगर उसके अंदर माइनस फाइव होता तो बाहर क्या आता प्लस फाइव ये डिस्टेंस बताता है डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है फिजिक्स में पढ़ा है आपने लेकिन डिस्टेंस इज़ नेवर नेगेटिव सो अगर हम ओ से क्यू जाना चाहते हैं तो हमको नाइन यूनिट्स डिस्टेंस जाना पड़ेगा अलॉन्ग द एक्स डैश एक्सेस सिमिलरली इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू पॉइंट s हुज कोऑर्डिनेट्स आर जीरो कॉमा माइनस सिक्स तो हम माइनस सिक्स से पता चलता है कि नीचे की तरफ जाना है लेकिन कितना नीचे जाना है वो हमको मैग्नीट्यूड से पता चलता है एंड दैट इज इक्वल टू सिक्स यूनिट्स अब देखो अगर कोई आपसे बच्चों पूछ ले कि बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड पॉइंट पी पॉइंट क्यू एंड पॉइंट पी का बीच की डिस्टेंस कितना है तो हम बोलेंगे क्यू पी इज इक्वल टू क्यू ओ डिटेंस प्लस ओ पी डिस्टेंस सो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू ओ प्लस ओ पी मॉडुलर्स में लिखा मतलब plus लेना प्लस लेना है डिस्टेंस को हमेशा प्लस लेना है तो इसका चाहे कोऑर्डिनेट्स माइनस नाइन है लेकिन बाहर तो प्लस नाइन आएगा और ये डिस्टेंस इसका सिक्स मीटर्स है सो नाइन प्लस सिक्स क्यू पी विल बी इक्वल टू फिफ्टीन यूनिट्स ठीक है रेडी है मेरी आर्मी समझ आ रहा है वेरी गुड आइए अब देखते हैं हम वॉट इज अ डिस्टेंस एस आर एस आर एस से आर जाना है हमको तो so, एस से आर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको सबसे पहले एस से ओ जाना पड़ेगा और फिर ओ से आर जाना पड़ेगा सो एस आर इज़ इक्वल टू एस ओ प्लस ओ आर तो वॉट इज़ एस ओ यहाँ ओ एस दैट इज़ सिक्स एंड वॉट इज़ ओ आर दैट इज़ फोर सो यू हैव सिक्स प्लस फोर देर फोर एस आर इज इक्वल टू टेन यूनिट्स राइट तो प्यारे बच्चों आइए इस स्क्रीन को आप प्लीज नोट करें डाइग्राम बनाएं अपने पास कॉर्डिनेट्स बनाएँ हेडिंग बनाएँ पॉइंट्स ऑन कॉर्डिनेट एक्सिस डिस्टेंस बिटवीन दैम और आप इसको देखें वी गेट किस तरह से हमने क्यू पी और हमने आर एस को कैलकुलेट किया है और हमने उसका आंसर ढूंढा है राइट right? सो so, ये हमारे पास आया समझ आया सब लोग को टोटल डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं ये कब था जब ये पॉइंट्स पी क्यू आर एस एक्सिस पे ही होते हैं बट अगर ये पॉइंट्स एक्सिस पे नहीं हों हम एक फार्मूला करने जा रहे हैं आपके साथ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ प्लेन तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ प्लेन हेडिंग बन गया बच्चा अब आओ देखते हैं डायग्राम देखते हैं पहले आप समझ जाइए पहले फिर उसके बाद आप नोट कीजिएगा तो यहां पर देखते हैं वी हैव एक पॉइंट पी है एक पॉइंट क्यू है पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 ये रेड वाले कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इसका मतलब P का x एक्सिस होगा x1 और y एक्सिस की हाइट होगी y1 वन यही मतलब है इसका और Q की बात करें तो आगे कितना गए हम x2 ऊपर कितना गए y2 तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से हमने एक बनाया एक पर्पेंडिकुलर्स ड्रॉप किए ये डॉटेड लाइंस ड्रॉप की तो ये पी एन कितना हो जाएगा बच्चों पी एन विल बी इक्वल टू द बिग डिस्टेंस एक्स टू माइनस द स्मॉल डिस्टेंस एक्स वन तो पी एन विल बी एक्स टू माइनस एक्स वन एंड वॉट विल बी क्यू एन क्यू एन विल बी यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज़ वाई टू एंड यहां से लेकर यहां तक दैट इज वाई वन सो पी एन विल बी इक्वल टू बिग हाइट माइनस स्मॉल हाइट दैट इज वाई टू माइनस वाई वन तो हमने डायग्राम को पहले फर्स्ट स्टेप वी नीड टू अंडरस्टैंड द डाइग्राम सो वी हैव हैव वी डन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंडर्डिनेट्स ड्रॉ पी एन एंड क्यू एन टू मीट एट एन वो पेंडिकुलर ड्रॉप किए द एक्स कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर एक्स वन एंड द वाई कॉर्डिनेट्स आर वाई वन एंड वाई टू दे पी एन क्या हो जाएगा देव फोर पी एन मैंने अभी बताया आपको देट विल बी एक्स टू माइनस एक्स वन एंड क्यू एन will be equal to here y2 minus y1 equation number इक्वेश <laughs> पहले समझ लें फिर उसके बाद आप रिवाइंड करके प्लीज इसको नोट भी करना है आपको फॉर्मूला uh, डिराइव कर रहे हैं हम सो अप्लाइंग द पाइथॉगोरस थियोरम टू ट्राइंगल P and Q ये पी एन क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें पाइथोगस्ोरम लगा सकते हैं पाइथोगस्थिरम याद है बच्चों नाइन्थ क्लास में पढ़ा है आपने बेस का स्क्वायर प्लस पर्पेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाईपोटन का स्क्वायर दैट इज पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर यही लिखा हमने अब पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा वॉट इज पी एन पी एन इज एक्स टू माइनस एक्स वन सो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वॉट इज क्यू एन दैट वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर सो वॉट विल बी द डिस्टेंस पी क्यू दैट विल बी इक्वल टू होल स्क्वायर है तो अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो डिस्टेंस पी क्यू विल बी एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर का होल अंडर रूट राइट सो ये हमारा फॉर्मूला हमने डिराइव किया कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू क्या होता है तो क्यू का एक्स कॉर्डिनेट एक्स टू पी का x कोऑर्डिनेट्स x1 तो x2 टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई का स्क्वायर का होल अंडर समझ आ गया बहुत सिंपल है जस्ट फिर हमने लगाया प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस इन योर कॉपी डायग्राम बनाएं जरूर जैसे मैंने बनाया है. तो लेट अस फाइंड यू नो अ स्पेशल केस द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं से एक्स कॉम एंड द ओरिजिन ओ अब हम ज़ीरो से बात कर रहे हैं ओ पी कितना है तो पी पे जाने के लिए हमको आगे जाना पड़ता है एक्स ऊपर जाना पड़ता है वाई तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका बेस है एक्स और परपेंडिकुलर है वाई तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा ये वाले फार्मूला में डालो तो हमारा एक्स वन क्या हो गया ऑरिजन के कॉर्डिनेट्स क्या होते हैं ज़ीरो कॉमन ज़ीरो तो मेरा एक्स वन हो गया ज़ीरो और एक्स टू हो गया एक्स वाई वन हो गया ज़ीरो और वाई टू हो गया वाई सो ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट वैसे भी आप पाइथागोरस से भी देख सकते हो एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट यही तो होता है डिस्टेंस ओपी हमने फॉर्मूला से भी करके देखा और डायरेक्टली भी देखा वी गेट द सेम आंसर राइट सो प्लीज बिफोर यू मूव हेड ये फॉर्मूला अच्छे से समझें और अपनी कॉपी पर जरूर लिखें इसको नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन राइट शायद आपकी बुक में एट ना हो नई बुक के अंदर एक्सरसाइज नंबर एट बट एट पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट टू कॉमा थ्री एंड फोर वन आप बच्चों एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो एक स्टाइल है ना लिखने का तो हम ऐसे वर्ड्स भी लिखने पड़ते हैं मैथ्स में हम बोलेंगे लेट पॉइंट पी बी टू थ्री एंड पॉइंट क्यू बी फोर वन

एंड वाई वन इज थ्री तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वाई टू बड़ा होना चाहिए तो जो भी है आपको वो लिखना है फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज नेगेटिव भी आ रहा है वन माइनस थ्री का स्क्वायर तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव तो टू का स्क्वायर इज फोर प्लस ये माइनस टू का स्क्वायर इज ऑल्सो फोर दैट्स अंडर रूट एट और वी कैन से इसको करें हम तो टू इन टू फोर तो बन जाएगा टू अंडर रूट टू यूनिट्स ऐसा यूनिट्स भी लिखना ज़रूरी होता है तो डिस्टेंस है जो भी यूनिट्स होंगी मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, जो भी है, युनेट्स युनेट्स हैं इसलिए हम यूनिट्स को यूनिट्स लिख देते हैं और राइट आया आप लोग को आइए कैन यू डू दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन प्लीज़ ट्राई पी के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस फाइव सेवन एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस वन थ्री लगाइए जरा ये प्लीज फॉर्मूला x2 हो गया कितना मेरा माइनस वन माइनस ऑफ माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस सेवन का स्क्वायर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सो माइनस वन प्लस फाइव विल बी फोर का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन और आई कैन से सिक्सटीन इंटू टू सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फोर होता है डिस्टेंस हो गया फोर अंडर यूनिट्स। ठीक है बच्चा लोग समझ आ रहा है आइए लेट अस डू थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या है पॉइंट पी है कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी एंड पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस ए कॉमा माइनस बी सो फॉर्मूला लिखिए डिस्टेंस पी क्यू x2 टू माइनस का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस का स्क्वायर सो x2 कितना है माइनस a माइनस ए का स्क्वायर ये है माइनस b माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए एंड माइनस ए इस माइनस टू का स्क्वायर एंड माइनस टू का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है a का स्क्वायर a स्क्वायर सो 4a स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर 4 कॉमन ले लेता हूं आई गेट अंडर होल अंडर रूट भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फोर का स्क्वायर रूट होता है टू टू बाहर आ जाएगा सो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया है राइट तो तीन नंबर मिल जाते हैं इतना थोड़ा सा काम करने से बड़ा ये स्कोरिंग चैप्टर है Or uh, students is very important for you right now here uh, question number 2 it says find the distance between the points 0 comma 0 and 36 comma 15 so we have 36 kilometers along the x axis and 15 kilometers along the y axis so we will have a n square प्लस एन बी का स्क्वायर दल बी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर दैट इज द डिस्टेंस ए बी सो दिल बी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर है ना 36 का स्क्वायर अब तो यूनिट्स मालूम है हमको तो बाद में आंसर हमारा किलोमीटर्स में ही चाहिए डायग्राम भी बनाया हमने है ना तो हियर हमको पता होना चाहिए जोग्राफी में पड़ा हुआ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तो ये लेफ्ट की राइट right की तरफ जाओ तो ईस्ट होता है लेफ्ट की तरफ जाओ तो वेस्ट ऊपर जाओ तो नॉर्थ नीचे आओ तो साउथ इसलिए मैंने बोला था ना कि एक टाउन है ए ओरिजिन पे और बी है 36 किलोमीटर किलोमीटर्स ईस्ट एंड 15 किलोमीटर्स नॉर्थ तो ईस्ट की तरफ गए 36 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए 15 किलोमीटर तो वही हो गया पॉइंट सो so, हियर 36 का स्क्वायर कैलकुलेटर बोलता है 1296 15 का स्क्वायर 225 ट्वेंटी फाइव दैट्स फिफ्टीन ट्वेंटी वन और अंडर रूट ऑफ फिफ्टीन ट्वेंटी वन इज थर्टी नाइन किलोमीटर्स और, और किधर किस डायरेक्शन में थोड़ा नॉर्थ की तरफ और थोड़ा ईस्ट की तरफ इसलिए इसको बोलते हैं हम तो टूअर्ड्स नॉर्थ डैश ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तो इट इज़ पूरा नॉर्थ भी नहीं है पूरा ईस्ट भी नहीं है नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है दोनों है देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आया बच्चा लोग समझ टेकन नोट ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन भी लिख लें डायग्राम बनाएं, ये जोग्राफी के एक्सेस भी बनाएं और इसको आप प्लीज़ नोट करें राइट right. सो so, आज हम इतना ही पढ़ते हैं और फिर हम कल की क्लास में आगे और करेंगे आज काफ़ी दिनों बाद आप वापस मिल रहे हैं तो आज मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ आपके साथ ठीक है इसको अच्छे से समझें distance formula co and we will see you up in the next class tomorrow bye bye